नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के आज हम सभी हाइट इंक्रीज करने के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वैसे तो हमने ही अपने चैनल पे पहले बताया है दोस्तों हाइट इंक्रीज करने के लिए अलग अलग वीडियोस में, लेकिन कुछ ऐसा बताना जो कि सस्ता हो, यानी कि हर आदमी अफोर्ड कर पाए, कम पैसे में हो और उसको सभी कर पाए और जेन्युइनली आसान तरीका हो, इसके लिए हम ये आज वीडियो लेकर के आए हैं। दोस्तों, अगर इस नुस्खे को आप अपनाते हैं तो आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर पाएंगे। यानी कि हाइट इंक्रीज करने से हमारा मतलब है कि बच्चों में जो ग्रोथ होती है किसी किसी में रुक जाती है, क्योंकि हाइट ग्रोथ जो है वो हार्मोन के थ्रू होता है और कुछ एक विटामिन्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम ज़रूरी होता है। जिसको भी कैल्शियम की कमी होगी उनकी हाइट सही ढंग से इंक्रीज नहीं हो पाती है, या फिर आयरन की कमी होगी तो भी नहीं हो पाती है। तो ऐसी चीज़ों को खाद्य पदार्थों के रूप में शामिल करना चाहिए, ऐसे खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में जिनमें कि कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता हो। दोस्तों, जैसे कि दूध हो गया, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा पालक हो गई, ये बहुत ही अच्छा स्रोत है आयरन का। ऐसे ही आप सर्च कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं अगर नहीं पता है तो, कि किन किन चीज़ों में कैल्शियम और आयरन की मात्रा अच्छी होती है। दोस्तों, आइए आज हम जो आपको नुस्खा बताने वाले हैं उस पर ध्यान देते हैं कि आप कैसे अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं अगर रुकी हुई है तो कुछ परसेंट तक। शरीर में कैल्शियम की कमी हो तो हाइट सही ढंग से नहीं बढ़ पाती है, ये हमने आपको अभी बताया दोस्तों। इसीलिए बच्चों को दूध जरूर पिलाएं, क्योंकि दूध एक अच्छा स्रोत है कैल्शियम का। दोस्तों, नंबर टू, आयरन की कमी जो हमने आपको अभी बताया दोस्तों। आप देखते होंगे पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग कढ़ाई जो रखते थे वो लोहे की रखते थे, या फिर तवा लोहे का होता था। अब सारी चीज़ें नॉन स्टिक आने लगी हैं, तो अलग अलग धातुओं की बन के आने लगी हैं, जिसकी वजह से पहले क्या होता था आयरन की आपूर्ति हो जाया करती थी हमारे शरीर में, पर ये भी अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आप साग सब्जियों का, हरी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करें दोस्तों तो बेहतर होगा। आइए आज मुख्यतः जो है हम कैल्शियम की कमी को, हम बता चुके हैं कि दूध से पूर्ति कर सकते हैं, पनीर से पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन सबसे सस्ता उपाय क्या हो सकता है इस पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, चूना, आप जानते होंगे खाने वाला चूना, इस चूने को आपको क्या करना है कि हर रोज़ लेना है, लेकिन कैसे लेना है इस पर ध्यान देना है आपको। फॉर एग्जांपल, आप दूध में या दही में या किसी भी खाद्य पदार्थ में, दाल में भी चूने को ले सकते हैं। दूध में लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, या दही में भी आप ले सकते हैं, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम को भी दही ठीक करता है और चूने से आपको कैल्शियम मिल जाएगा। कैल्शियम के लिए आप करना क्या होगा कि चूना कैसे खाना है इस बात का ध्यान देना है, नहीं तो ये आपको फ़ायदे की जगह लॉस करेगा। दोस्तों, एक चावल देखते हैं आप, चावल का एक दाना जितना बड़ा होता है ठीक उतना ही आप चूना लीजिए, हर रोज़ अपने भोजन में उसको डाल दीजिए, चाहे अपने सब्जी में डाल लीजिए या फिर आप दूध में डाल लीजिए या फिर दही में, अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए, मिक्स करके फिर खाना खा लीजिए आराम से। अगर आप हर रोज़ इतना चूना खाते हैं, यानी कि आपको हमने बताया एक चावल के बराबर या एक गेहूं के बराबर बस इतना ही खाना होता है दोस्तों, इतना खाते हैं तो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगे, आपके दांत भी मजबूत रहेंगे। इसके अलावा आपकी हाइट इंक्रीज होने में अगर कैल्शियम वजह बन रही है, रुक रही है, तो आपकी हाइट जो है वो बढ़ने लगेगी दोस्तों, इंक्रीज होने लगेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा होगा आपने, आप एक वर्ड सुनते आ रहे होंगे, कुपोषण, वही चीज़ है कि हाइट आपकी इंक्रीज नहीं हो पाती है उस कंडीशन में। इसलिए सबसे बेहतर ये उपाय होता है दोस्तों कि आप लेते हैं। वैसे तो हमने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि गर्भवती स्त्री को भी आप चूना थोड़ा थोड़ा देंगे तो उनके लिए प्रसव इजी हो जाता है, लेकिन आज का हमारा ये वीडियो जो है मुख्यतः हाइट इंक्रीज से रिलेटेड है दोस्तों। तो ये आप नुस्खा अपनाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हाँ, ध्यान रखें कि चूने की मात्रा खाने में कभी भी ज़्यादा ना हो, कम ही रहे, एक चावल के बराबर या उससे आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ना लें इस बात का ख्याल रखें, नहीं तो फ़ायदे की जगह आपको लॉस हो सकता है दोस्तों। और इसमें एक बात का खासा ख्याल रखना होता है दोस्तों कि जिनको भी पथरी का रोग हो, यानी कि स्टोन की प्रॉब्लम हो,
उन्हें चूना नहीं खाना चाहिए दोस्तों, नहीं तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और मुख्यतः हाइट इंक्रीज जो होती है वो बच्चों की होती है, तो जिन्हें स्टोन की प्रॉब्लम नहीं हो वो चूना ले सकते हैं, चाहे वो गर्भवती हों या कोई भी हो, चूना आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है, पत्थरी की प्रॉब्लम है, तो आप चूना ना ले दोस्तों। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।